नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरुवार को जन्मे हुए जातकों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से स्वभाव बताएंगे, गुण बताएंगे, अवगुण बताएंगे, सावधानियां बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक उपाय बताएंगे जिसको करने से गुरुवार को जन्मे जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा उपाय आसान और सरल बताने का प्रयास करेंगे। केवल आपको करना है और लाभ लेना है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले विनती करते हैं, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, शेयर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं गुरुवार को जन्मे हुए जातकों के बारे में। साथियों, गुरुवार को जिस किसी भी जातक का जन्म होता है वो बहुत सात्विक, धार्मिक, विद्वान और अच्छी संगत करने वाला इंसान होता है। दया बहुत होता है ऐसे लोगों के मन में जिन जो जातक गुरुवार के दिन जन्म लेते हैं या जिनका गुरुवार को जन्म होता है। शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक भी बनते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं। गुरुवार को जन्मे हुए जातक उच्च पद पर आसीन भी होते हैं, समाज में, परिवार में, घर में मुखिया होते हैं, साथ ही साथ अच्छे बड़े सम्माननीय पदों पर आसीन होते हैं। गुरुवार को जन्मे जातक मीठा ज़्यादा खाते हैं, विशेष बात है, इसलिए गुरुवार के जन्मे जातकों को शुगर यानी कि मधुमेह रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो सावधानी इस बात की जरूर रखें जिनका गुरुवार को जन्म हुआ है वो मीठा ज़्यादा सेवन ना करें, यानी कि मिठाई, चाय अधिक पीना, मिठाई ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं करें। हाँ, मानसिक परिश्रम करने में बहुत बलवान होते हैं, लेकिन शारीरिक परिश्रम गुरुवार को जन्मे जातकों को नहीं करते बनता। इसलिए जीवन में यह अपने मन मस्तिष्क से जो कार्य हो सकते हैं वो कार्य करके बहुत उन्नति करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुवार को जन्मे हुए जातकों एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जरूर करें, लाभ लें। यदि गुरुवार के दिन जन्म हुआ है तो केले के पेड़ की जड़ या हल्दी की गांठ अपने, पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांधे, स्त्री है तो अपने बाएं हाथ में बांधे भुजाओं। ऐसा करने से जीवन में गुरुवार को जन्मे हुए जातकों को बहुत सफलताएं प्राप्त होती है। साथ ही साथ गुरुवार को जिनका जन्म हुआ है वो पानी में हल्दी डालकर अगर स्नान करते हैं तो काफ़ी ग्रह दोष, यानी कि गुरु का जो, यदि कुंडली में गुरु निर्मल है तो वो उसका दोष मिटता है और गुरु को बल प्राप्त होता है। गुरुवार को जन्मे हुए जातक यदि 4 कैरेट से ऊपर का पुखराज, विवाह में यदि किसी लड़की को, स्त्री को, महिला को विवाहित जीवन दुखी है या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विघ्न बाधा है, ऐसे में भी यदि 4 कैरेट से ऊपर का पुखराज धारण करती है गुरुवार को जन्मी हुई स्त्री लड़की, तो निश्चित रूप से उसके विवाह के योग आते हैं और संबंध अच्छी जगह पर होता है, मनोकामनाएं जो है वो सारी पूर्ण होती हैं। पुरुष यदि गुरुवार को जन्म जिनका हुआ है 4 कैरेट से ऊपर का पुखराज धारण करते हैं तो जीवन में बहुत उन्नत करते हैं, अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, एक बात और लास्ट में कहना चाहेंगे कि गुरुवार के जो जातक हैं, गुरुवार को जन्म जिनका हुआ है वो जातक 7वें महीने, 12वें महीने, 13वें महीने, महीने नहीं, 6वें वर्ष, 7वें वर्ष, 12वें वर्ष, 13वें वर्ष, 16वां वर्ष और 30वें वर्ष,
इसमें बीमारी का खतरा इनको ज़्यादा बना रहता है। बीमारियाँ भी जैसी बताई, मधुमेह जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। विद्वान बहुत होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, जीवन में सफल बहुत होते हैं, बहुत योग होते हैं, बस इनको अपने गुरु बल को बढ़ाना है। गुरु बल बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए हैं उसको करने से गुरु बल बढ़ेगा। पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, पुखराज धारा करें, केले की जड़ या हल्दी की गांठ धारा करें, निश्चित रूप से जो है सफलता जीवन में गुरुवार को जन्म हो जाकर प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें, स्वस्थ रखें।